हमने राक्षस का जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन पहली बार उससे सामना हुआ। उसकी कोई खबर लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका कोई भी जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं होना चाहिए। हमारा हुक्म है कि फौज को वहां भेजो। हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। कितना बकवास है, आखिर कोई इतना वाहियात कैसे लिख सकता है? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लेखक इतना मशहूर होकर ऐसा कैसे लिख सकता है। ये किताब बाजार में आने वाली थी, पर सरकार ने इस पर पाबंदी लगाकर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। पुलिस अफसरों को बहलाकर हम ये किताब यहाँ तक लाए हैं, और मालूम है बस ये आखिरी किताब बची है। दीपा, आनंद को बुलवा लो। सर, हम जानते हैं वो बेहतरीन पत्रकार हैं, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातों पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है और लेट होना मुझे जरा भी पसंद नहीं। अगर सरकार पाबंदी लगाकर इसे जब्त करने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है तो इसमें कुछ राज तो जरूर है। हम इस चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसका वजूद सिर्फ तुम ही से है। इस बारे में तुम्हें गौर करना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 बरस से हम आनंद से वाकिफ हैं। वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचता है। इस किताब में कुछ तो हकीकत है। मैं सिर्फ आधे घंटे का वक्त दे सकती हूँ, उसके बाद इस काम के लिए किसी और को तलाश कर लीजिए। सुनो शाम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। सबको बाहर भेज दो। आइए आइए, बाहर तशरीफ ले जाइए। आइए, इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हेलो, हम लोग पत्रकार हैं। बाल की खाल निकालकर मामले की तह तक पहुंच जाना हमारी फितरत है, और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मसला उठाया है। इससे तो सवालों का सैलाब आ जाएगा और इसकी गिरफ्त में कई बड़े नामचीन लोग फंस जाएंगे। हे देवी माँ, अब जानती हैं कि ये लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे में दिमाग कम है। अगली बार जब हमको इस दुनिया में भेजना तो दो दिमाग दे के भेजना, ताकि एक खराब हो तो दूसरा काम आए। बीवी से सर में पिट के आए क्या? दफा हो जाए यहाँ से। हे देवी माँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए। जोर जबरदस्ती सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी करती हैं। खामोश हो जाइए शर्मा जी, औरत के सामने। हे देवी माँ, इस दहशत की देवी से मेरा पाला कभी ना पड़े। अरे दीपा मैडम कॉफी मांग रही है, पर लेकर कौन जाएगा? आप कह रहे हैं कि इस किताब में आपने सच्ची घटना का जिक्र किया है, कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे क्यों पढ़ेंगे? इसमें कोई यकीन करने लायक बात है? क्या वो किताब मुझे दे सकती है? लीजिए, इसे काट दिया। अब तो कोई एतराज नहीं? एल्डोराडो क्या है आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता। क्यों? हो सकता है इसमें ऐसे ही एक शख्स का जिक्र है। ये सब ख्याली नहीं, इसे साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी मौजूद है। जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं, आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। उसने कुछ तो कारनामा किया होगा। वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो उसे ढूंढ के निकालो। जी मैम। बताइए कहाँ भेजना है, कहाँ है आपकी शक्तिशिला, कहाँ है आपका एल्डोराडो?
केजीएफ शहर से 18 मील के फासले पर बागनूर है, फिर वहाँ से बैंदूर तशरीफ ले जाना पड़ेगा, फिर बैंदूर से बैलगाड़ी में पूरब की जानिब 4 मील जाना पड़ेगा और वहाँ 40 फीट खड्डा खोदने के बाद शक्तिशिला पत्थर मिलेगा, ये लिखा है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अपनी टीम को लेकर उस पत्थर की तलाश करो। मुस्ताकी माफ सर, 3 दिन बाद हमारी शादी है, उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं। अंदर जो बैठे हैं वो बहुत बड़े नामा निगार हैं, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकते। सर सुनिए तो, सन 50 से सन 80 तक के लगभग सभी पेपर्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने और भी न्यूज़पेपर्स मंगाए हैं लेकिन किसी में भी केजीएफ के बारे में कोई खबर नहीं छपी है। चलो न्यूज़पेपर को भी छोड़िए और इस किताब को भी किनारे रखते हैं, आप ही बयां कीजिए, आपकी जुबानी सुनना है, कौन था वो आदमी, वो नायक था या खलनायक, आखिर माजरा क्या था? केजीएफ में मिला सोना बेशकीमती जरूर है लेकिन जो हाथ उसे खोद कर बाहर निकालते हैं उनकी अपनी कहानी है। दुनिया में जब कभी भी सोना मिलता है तो इत्तफाकन मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जब काश्तकार वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब पत्थर मिला। उसकी जांच करने के लिए सरकारी अफसरान आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। उस रात 2 करिश्मे हुए, वो जगह भी मिल गई और उसका रखवाला भी पैदा हो गया। पत्थर तो आसानी से मिल जाता है लेकिन सोना बहुत मुश्किल से मिलता है। मगर सूर्यवर्धन को पत्थर की शक्ल में सोने की खदान मिली, उसने वहां से जमीन का एक जर्रा भी बाहर नहीं जाने दिया। मुबारक हो, तुमको सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है राजा। बाप का बच्चा माँ पर बोझ होता है, हमसे शादी कर लो ना। सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 बरस के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को पोशीदा रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर खुदाई करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ की जान बचाने के लिए ये पैसे बहुत कम है। अब... चौथे बरस में शादी, 15वें बरस में बच्चा, ता जिंदगी वो दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसे ढूंढ लिया। अपने बेटे को विरसे में देने के लिए अगर उसके पास कुछ था तो उसके आखिरी लफ्ज, लोगों को ऐसा कहते सुना है कि पैसे के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता कि बिना पैसों के चैन से मरना भी दुश्वार है। मुझसे तू एक वादा, तू जिंदगी कैसे गुजारेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना। आपकी कसम, हम दुनिया के सबसे रईस आदमी बनेंगे मां। उसकी मां ने तो उसे सिर्फ मंजिल दिखाई थी,
लेकिन उसका रास्ता उसे खुद तय करना था। पैसे, पैसे, पैसे निकाल। पैसे नहीं है। नहीं है पैसे? तू कंगाल है? तो ये ले पैसे। ये बहुत कम पैसा है, हमको और चाहिए। ये कम है? हाथ फैलाओगे तो भीख मिलेगी, और अगर हाथ उठाओगे तो नोट मिलेगी। पावर से ही पैसा आएगा। पावर? ये कहाँ मिलेगा? कामयाबी हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। इसी ख्वाब के साथ उसने जद्दोजहद भरे शहर बम्बई का रुख किया। आगे यहाँ से दोबारा नजर नहीं आना। बम्बई सोने की स्मगलिंग का एक अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई के शेट्टी के दरमियान हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसके पैर हालांकि छोटे थे लेकिन एक कदम सबसे आगे चलता था। ए निकल, चल तू अपना नाम बता। राजा कृष्ण अप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा नाम रखने से कोई मशहूर नहीं होता, कारनामा बड़ा करना पड़ता है। चल निकल। पॉलिश, 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 पॉलिश। सर, नया जूता ले लो, अब तो बढ़िया। शेट्टी है वो, सब लोग उसको सलाम मारते हैं। बम्बई का बादशाह है वो। वो इंस्पेक्टर बहुत उंगली कर रहा है, उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खिसक गई है क्या? इंस्पेक्टर को कौन फोड़ेगा? तू मारेगा? मारने के लिए जिगर चाहिए क्या रे? तुम लोग में जिगर है? है यहाँ कोई फौलाद की औलाद? कोई नहीं। इसको बोलते हैं शेर का बच्चा। ए, असलम भाई मजाक कर रहे थे, चल यहाँ से, चल। उसका धंधा बंद करा दे। ए, रुक। और पुलिस स्टेशन में ले जाके कुटाई अलग क्या से छोटे पटाखे। दरोगा जी का सर फोड़ दिया। क्या हुआ जनाब? हे, रुक क्यों गया? चल कम तो होते यहाँ से। वो टकले को अपना नाम ही नहीं मालूम। क्या? उसको अपना नाम बता के आते हैं। कौन है वो छोकरा? मुझे चाहिए वो। जनाब, ए चल। छोकरा नहीं, अपुन का नाम रॉकी है, भूलेगा तो नहीं ना। जनाब, वो मेरा फंडर है जनाब। मैंने उसे मजाक किया था, लेकिन उसने मजाक को सच में ले लिया। जनाब चिंता मत कर, हम उस छोकरे की पुलिस से बेल करवा दिए हैं। ए, क्या हरकत कह रहे तू? अपुन नाम कमाने गया था। वो पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? जनता को मारते तो पुलिस तलाश करती, पुलिस वाले को ही फोड़ा तो तुम्हारे जैसा डॉन तलाश करेगा। आखिर चाहता क्या है बे तू? दुनिया। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और रूस के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई थी। इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन की कीमतों के साथ सोने के भाव भी आसमान को छू रहे थे। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका था। अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। भार्गव की मौत के बाद उसका वारिस कमल KGF से निकले कच्चे माल को पिघलवा कर फैक्ट्री में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलोर में पहुंचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट की कमान एंड्रयूज के हाथ में थी। गुरु पांडियन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन ने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पूरी सरकार को अपने काबू में कर लिया।
सूर्यवर्धन का सबसे बड़ा सहारा था उसका भाई अधीरा। इन सब की ताकत से बनाए गए किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की बदौलत केजीएफ इतना महफूज था कि क्या मजाल कोई उसकी तरफ आंख भी उठा सके। सूर्यवर्धन को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा। सूर्यवर्धन की ये हालत देखकर उसके साथ काम करने वालों की नीयत में खोट आ गया। पहली बार केजीएफ में बगावत की लहरें उठने लगी। सोने के दाम बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में दाखिल होने का यही एक मौका था। शट्टी का दुश्मन दिलावर इनायत खलील से मिल गया। बंबई की नागपाड़ा बंदरगाह पर पहली बार उसका सोना उतरने वाला था। इस बात का पता चलते ही दिलावर बंबई को अपने कब्जे में करने के लिए निकल पड़ा। दिलावर का हुक्म है शट्टी गैंग को खत्म करना। सबको खत्म कर दो। मेरे छोकरों को ही अंदर करवा दिया। सांप के बिल में हाथ डाल दिया है उसने। आजादी के बाद पहली दफा बंबई पर खतरे के बादल मंडराने लगे। दिलावर बंदरगाह को अपने कब्जे में करने ही वाला था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। जनाब रॉकी आ गया तो? सलीम भाई जब रॉकी हाथ लगे तभी माल लेकर आना, अभी आओगे तो लफड़ा हो जाएगा। रॉकी मिला क्या? नहीं अभी तक नहीं मिला। बता बता रॉकी कहाँ है? लेकिन उसके गुंडों को जमा कर दिए। कौन सा बड़ा तीर मारा? पहले उसको पकड़। चल उसे तलाश करो, हमें रॉकी चाहिए। क्या है बे? रॉकी मिल गया भाई जी। रॉकी पकड़ा गया। वो मिल गया, आ जाओ। चलो मिल गया वो, आ जाओ। मारो से छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर दो इसका। हमारे बाप अक्सर कहते हैं कि बेटा तूफान से कभी मत टकराना। ए सुनो रे, हमारे बाप को बता दो कि तुम्हारे बेटे ने तूफान को ही टांग दिया है। क्या रे असलम, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? कोई लुढ़क गया क्या? ए छोटू पुलाव लेकर आ। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? अरे जाना, रॉकी को पुलिस ने दबोच लिया है। रॉकी पकड़ा गया, माल लेके आ जाओ। चलो बम्बई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह को छुएगी, बम्बई हमारे हाथ से छू हो जाएगी। आज हमारी सालगिरह है और हमको तोहफे में चाहिए उसका दिल और साथ में दोनों आंखें भी। और तुम लोगों की क्या फरमाइश है? छोटू पुलाव फिर कभी, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ रायता भी लेकर आ। जा। रक्त की बू से सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 सालों से जिस काम को तुम अंजाम नहीं दे पाए, तुम्हारी औलाद ने एक पल में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ इससे बेखबर हैं कि ये रक्त उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. लेकिन वो है कहाँ? लटका दिया उसे। अरे रॉकी नहीं, मेरी औलाद कहाँ है? तुम्हारी औलाद? उसने ही लटकाया है। हैप्पी बर्थडे दुश्मन दिलावर, हैप्पी बर्थडे। अरे जनाब तूफान को लटकाते नहीं। अरे और अमाथीर, इसका बर्थडे सॉन्ग बंद करो। तूफान से भागते हैं। मुबारक दिलावर। बम्बई मेरी है बोलने वाले सारे बड़ बोले आज एक ही जगह फंस गए हैं। वो उन सबको बम्बई की गलियों में दौड़ा दौड़ा एक एक करके खत्म करेगा। मेरा इतना खून देख के मेरी माँ का खून खौल जाएगा। मेरे कदम बंबई में पड़ते ही भट्टी में झोंक दिया गया मुझे। खाने में गली कूचे की ठोकरें खाई, मार खाई, तब जाकर जालिम पेट की आग बुझी।
अफसोस बंबई इस बात से बेखबर थी कि भट्टी में गिरने वाला लकड़ी नहीं लोहा है, और उसी भट्टी की तपिश ने मुझे दहकता हुआ खंजर बना दिया, और खंजर सिर्फ खून बहाता है। बंबई के अंदर बाप की जागीर है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप तेरे सामने है। बहुत बोल रहा है, उसका कत्ल कर दो। आज ही पैदा हुआ था ना, इसलिए मरना भी आज ही के दिन चाहता है। आज मैं तुझे तोहफे में आंख और कलेजा दूंगा, लेकिन तेरा ही भाग। भाईजान, गुस्ताखी माफ कर दो भाईजान। क्या बनता है, तोहफा नहीं लेगा? नहीं। भाई, वहां देखो, बंबई में एक ओर समंदर है तो दूसरी ओर रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी साहिल पर आना होता है तो वो भी इसकी अनुमति से आती है। सफाया करने वाला बंबई में मिल गया है, उसका नाम है रॉकी। भाई, इनायत खलील के जहाज वापस जा रहे हैं। क्या साहब, बारात तो लौट गई? सलाम रॉकी भाई।
श्रीलंका से आया सोना कोस्ट गार्ड की मदद से बंबई की बंदरगाहों पर उतारा जा रहा था। वहां से पुलिस की निगरानी में ग्रे कलर के लगे निशानात वाले ट्रकों के जरिए माल रॉकी को जाने लगा। बॉक्सेस वो अपने सामने खुलवाता था और पूरी जांच के बाद उन्हें मालगाड़ी के जरिए दूसरी जगहों पर भेजता था। बंबई में कोई भी फैसला रॉकी की इजाजत के बिना नहीं लिया जा सकता था। क्या है बे? कमीज धुलवाने आए थे भाई। हाँ, हम भी लाजवाब धुलाई करते हैं, चला धुला। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई। अब पूरा बंबई हमारे कब्जे में है, ये है हमारा दबदबा। तुम्हारा नहीं, रॉकी का। वो तुम्हारा पालतू, ये सब कुछ कर रहा है तुम्हारी खातिर या बंबई पे अपना हक जमाने की खातिर? उस रॉकी के वजह से ही हम इतने मशहूर हुए हैं। वो हमारे साथ है, इसलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम सिर्फ बंबई में ही नहीं, पूरे देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये बताइए रॉकी भाई, आज कितने लोगों की धुलाई की? बेटा कल सुबह के अखबार में छप जाएगा, जाओ पढ़ाई करो। शेट्टी भाई, बंबई में आपसे हर कोई डरता है, सिर्फ इस रॉकी को छोड़ के। शेट्टी भाई के बिना तेरी कोई औकात नहीं, अगर ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की तो तेरे पर काट देंगे। जब तक रेशम तैयार नहीं होता तब तक रेशम के कीड़े जीवित रहते हैं, उसके बाद उनको खौलते पानी में डाल देते हैं। ए पठान। जी भाईजान। हमारे खत के ऊपर पिन कोड ना हो तो भी लिफाफा हमारे पास आ जाता है, जानते हो क्यों? हमारा नाम ही इतना मशहूर है। सही फरमाया भाईजान, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। कुछ लोग 10 लोगों को मारकर अपने आप को डॉन समझने लगते हैं। मालिक तू। उस पते की वजह से नहीं पहुंचता है। लैंडमार्क की वजह से पहुंचता है, और इस इलाके का मैं वो लैंडमार्क हूं जिसके लिए पते की जरूरत नहीं। बड़ी मिसाइल से कभी चिड़िया का शिकार नहीं किया जाता। ए पठान। जी भाईजान। सिर्फ 10-12 की कब्र खोद कर मैं डॉन नहीं बना, मैंने जिन जिन की कब्र खोदी वो सब डॉन ही थे। हाँ हाँ, सही फरमाया।
शेट्टी को पहली बार किसी के आगे सर झुकाते हुए देखा है। लगता है एंड्रयू ही बंबई का बादशाह है। वो खामोश नहीं बैठेगा, देखना जरूर दंगा करेगा। तो क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहनी है? ए, तू खामोश है। शेट्टी की चिंता तू मत कर, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। तेरी तमन्ना थी ना बंबई पर राज करने की, वो वक्त आ गया है। अब तू बंबई का राजा बनेगा। इस समंदर की गहराई क्या होगी? मतलब जानते हो, किनारे पर रहकर गहराई मापी नहीं जा सकती, इसलिए गोता लगा ही लेते हैं। एल्डोराडो के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक नया रास्ता मिल गया। बेंगलोर। ड्राइवर, गाड़ी मैखाने ले चलो। आज इलेक्शन है जनाब, इसलिए ठेका बंद है। ए, इतनी भागदौड़ क्यों मची है? वो राजेंद्र देसाई की बेटी है ना, उसे किसी ने पीने नहीं दिया तो सड़क पे हंगामा कर रही है। जो भी उसके रूबरू जा रहा है बेहिसाब मार रही है। माँ कसम बहुत जबरी है भाई। सर, सर वो हमें मार देंगे, बचा लो हमें। सर ये लोग जान से मार डालेंगे, बचा लो सर। जो आ रहा है वो शार्प शूटर है कि नहीं? पता नहीं, आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने भाने में है। तो फिर उसे क्या यहाँ झक मारने के लिए बुलाया हो? सिर्फ बंदूक रखने से कोई शार्प शूटर नहीं बन जाता। ओ जनाब, वापस आ जाइए, उन्हें बचाने मत जाइए, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। किसी का कत्ल करने के लिए जिगर मजबूत होना चाहिए, उसमें जज्बात, रहम, इंसानियत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। एक बार वो जिसे मारने की ठान ले तो उसका बचना नामुमकिन है। वो कहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड किलर। पता है ना, ये काम बहुत जोखिम वाला है। अगर नाकाम हुआ तो और जोखिम है। मार इसे, मार। हमें मत मारो। मार इसे। मुबारक हो। किस लिए? I love you। तुम्हारी इतनी मजाल, कमाल की चीज हो। खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? मारो इसको। वो क्या कह रहे थे? हाँ, आपकी खातिर गर्दा उड़ा देंगे। जा, जा, मार को। क्या हुआ, हुस हो गए क्या? मार इसको। ए लूडो मार जा रहे। ए रुक 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 रुक। क्या हुआ भाईजन? अब आओ। क्यों रे गेंडे के बच्चे, तू बेवजह शराब बर्बाद कर रहा है। बहुत शौक है ना बोतल तोड़ने का, यहाँ एक बूंद पीने के लिए मैसर नहीं है और तू पानी की तरह बहा रहा है बे। ड्राई डे के दिन शराब की क्या कीमत होती है तुझे एहसास है? देख तुझे कैसे कूट कूट के तेरा कीमा बनाता हूँ और फिर उसका कबाब बनाता हूँ। देख तू खबीज की औलाद।
शायद आज बैंगलोर में नए नए पधारे हो, हमारे पिताजी को जानते नहीं हो। अगर उनको भनक लगी तो तुम्हारे पूरे शरीर को छलनी करके हुसैन सागर में बहा देंगे, समझे? तुम्हारे प्यार में अगर हमारी जान भी चली गई ना, तो यही हमारा मुजस्समा बनवा देना। और कहीं अगर तुम्हें हमसे इश्क हो गया तो यही बीच सड़क पर खुलेआम तुमसे शादी करेंगे। तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सबके सामने शड़प रॉकी। तुम्हारे बाप का नाम है राजेंद्र देसाई, उनके पैसों का गुरूर हो गया है तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें सोने में तोलेंगे, तुम्हारी हैसियत बढ़ा देंगे। आज से हम तुम्हारे मंगेतर, ओके? ए, इनके बाप हमारे ससुर, तुम हमारे साले, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना वरना बहुत पीटेंगे। आपने बहुत ही गलत जगह हाथ डाल दिया जनाब, चुपचाप पतली गली पकड़ के निकल जाओ। रॉकी, तेरा नाम है क्या? कमल, क्या परेशानी है? कहता है वो उल्लू कहीं गायब हो गया, तो ये जनाब को भी गायब कर देते हैं। लगता है शहर में नया है, तभी अकेले मेरे बंदों की धुलाई की और रीना को छेड़ने की गुस्ताखी की। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, उसे हर जगह तलाश करो। किसी भी कीमत पर वो यहां हाजिर होना चाहिए। रीना को इसी ने छेड़ा होगा। जानता हूँ, दोबारा इसकी सूरत यहाँ ना दिखे। वैसे भी आजकल कमल का बुरा वक्त चल रहा है, कहीं ये उसके तोते ना उड़ा दे। तुम्हें एहसास भी है तुमने किन लोगों से पंगा लिया है, और वो लड़की असल में है कौन? कौन है? राजेंद्र देसाई की बेटी रीना। क्या खूबसूरत नाम है, रॉकी के संग रीना। राजेंद्र देसाई को आया पसीना। तुम्हें किस काम के लिए बुलाया गया है जानते हो? हमें कंचे खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। लगता है शहर में मर्द कम हो गए। आउट किसको करना है? एक पागल शेर को मारना है। आगे की जानकारी तुम्हें दया से मिल जाएगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ एक जलसा होने वाला है। जलसे की शुरुआत से पहले ही रास्ते में उसका काम तमाम करना है। जलसे की जगह अंदर घुसने के दो ही रास्ते हैं। हमारे हिसाब से तो वो वहशी दरिंदा मेन रोड से ही अंदर आएगा। खुली सड़क है, न लोगों का खौफ, न ट्रैफिक में फंसने की गुंजाइश। कोई शॉर्टकट है? अरे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आसपास ऊंची इमारतें हैं, बस स्टॉप है, बाजार है, बहुत भीड़भाड़ का इलाका है वो। हमारे हिसाब से वो उस रास्ते से तो कभी नहीं आएगा। ये जलसा कहाँ है? DYSS के पार्टी ऑफिस। एक से एक ऊंचे दर्जे के मंत्री, नेता, फलाना ढिमाका सब वहाँ होंगे, और उस जलसे में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। एक चाउमीन लेके आ। इतने सारे इंतजाम के बीच उसका कत्ल करना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। जो आ रहा है उसकी तस्वीर है? तस्वीर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके आते ही शहर में हंगामा हो जाता है। रीना, हम उसे तलाश करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। उसने बीच चौराहे मेरा अपमान किया, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो नहीं मिला। ये शकल दिखा। चल जा। जाओ खेलो। वो हम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा है। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, उसे कुछ खबर नहीं। यहाँ कौन आने वाला है, अगर उसे इस बात की खबर होती तो ये काम करने की खातिर यहाँ कोई नहीं आता। उसके काम में दखल मत दो,
बस कमल का साया उस पर मत पड़ने दो। हूबहू उसके जैसे दिखने वाले बहुत से लड़के रुके हैं होटल में, लेकिन हमारे जो लड़के उसकी पहचान कर सकते थे वो सबके सब अस्पताल में है। कमबख्त ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो उसकी पहचान कर सके। हम एक को जानते हैं, होटल की तलाशी होने तक कोई बाहर नहीं आएगा। चलो चलो। ए, कौन है बे? नहीं, हट। नहीं, ये भी नहीं। ये है क्या? नहीं। ये? आगे चलो। अबे खोल। चल 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 निकल चल। उस जानिब देखो। चल। हाँ यहाँ नहीं है। आगे चलो। कौन था वहाँ पे? हट। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। तुम यहाँ आई वो भी मुझसे मिलने? तुम्हारी खूबसूरत आंखों की कसम, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी याद में अभी इसी बाथरूम में बैठकर नहा रहा था। मरवा सकते हैं हम तुम्हें। मुझे मारने के लिए पहले मेरी जान बनना होगा। मैं तुम्हें स्पेसशिप में बैठाकर पूरी कायनात घुमाना चाहता हूँ। शराब में उतना नशा नहीं जितना तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी कसम तुम्हें शहजादी बनाकर रखेंगे। तुमसे मिलकर दिल जख्मी हो चुका है। जाने मन मैं तुम्हारी दुरंतो एक्सप्रेस और तुम मेरी पटरी। एक बार ट्रेन पटरी पे आ गई उसके बाद चुक 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 चलती रे। एक मिनट माफी चाहता हूँ। तुम्हारी तो तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बहन के साथ है तो इतना हंगामा क्यों? धर्मेश, ओह गॉड, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? जरा भी डरो मत जाने मन, मैं हूँ ना, मुझे मस्त ड्राइविंग आती है। बात दरअसल ये है रीना कि पहले मुझे मौत का खौफ नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद डर लगने लगा है। अपनी खातिर नहीं रीना, तुम्हारी खातिर। वो क्या है ना कि अपने दिल के खाली कोने में हम तुमको बसाना चाहते हैं, बिल्कुल रानी की तरह। लेकिन एक बात क्लियर है, हम शादी भले ही बैंगलोर में करें लेकिन हनीमून के लिए हम गोवा ही जाएंगे, उसके बाद 10-12 बच्चे। चपड़ चपड़ बंद कर। क्या हुआ जानेमन, नाराज क्यों हो गई? हमसे ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे हुई? क्या लगता है चार मवालियों को मार के हमारे हृदय में बैठ जाएगा? कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अपनी हैसियत जानता है? एक ड्राइवर तक की हैसियत नहीं है तेरी। क्या हुआ, हमारी बात सुन के मोहब्बत का गुब्बारा फुस हो गया ना? अगर कमल को तुम्हारी हरकत की भनक भी लगी ना तो धरती से तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगा गवार कहीं के। दिल तो कर रहा है कि एक मिनट। ये क्या पागलपन है? कौन है दाढ़ी वाला? का एहसास मुझसे बेहतर कौन समझेगा? जो लोग अनाज की कदर नहीं करते उन लोगों के बीच रहकर तुम इस जमीन पर गिरे खाने के लिए इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी बेबसी मैं समझ सकता हूँ। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में मां से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता।
क्या हुआ मोहतरमा? हमें घर ले चलो। जो हुकुम। रुको रुको, ये गाड़ी बीच में कैसे आ गई? हटाओ इसे। गाड़ी पीछे ले, पीछे ले, चलो चलो चलो। सर नमस्ते, बंदे को आनंद निंगल की कहते हैं, हमने आपको फोन किया था, रिपोर्टर है, रॉकी के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है जनाब। आप कुछ देखिए, फिक्र मत कीजिए, हम आपका नाम अखबार में नहीं डालेंगे। ए, मेरा पूरा नाम डालना, नागराज, बाप का नाम काला नाग, सबसे ऊपर लिखना, सवाल पूछ। तो नाग जी, डॉन बनने से पहले जब वो बम्बई आए थे तब उनका नाम कुछ और था, राजा कृष्णप्पा बेरिया, वो रॉकी नाम से मशहूर कैसे हुए? डे मॉन्ड सिंस 1925। क्या मतलब? जब से कंपनी की शुरुआत हुई। ऐसा किस लिए? ब्रांड को ऐसे ही लिखते हैं। ये ब्रांड क्या है बे? अपने नाम की एक अलग पहचान जो दुनिया भर में मशहूर हो। बचपन से ही उसे ब्रांड बनने का जुनून था। आपका मतलब ब्रांड? एक दिन दरोगा ने उसे धर दबोचा। जनाब ये 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, ना ही इसके पास गाड़ी के कागजात है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। कमबख्त ने किसी को फोन किया है, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहा है, नाम बताने में भी परहेज कर रहा है जनाब। वॉचेस है? ए, तेरे बाप का राज है? वो तूफान को हवा दे रहा था। तू चाहे कोई भी हो, कानून का गुलाम ही रहेगा, समझा? गुलाम। अबे मुंह में दही जमी है क्या? अपना नाम बोल। जब रॉकी की आंधी चली। अबे मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो पूरा स्टेशन कांप गया। ये लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस। रॉकी, लगता है मेरी सामत आ गई। हटो। अरे अरे सिगरेट कहाँ है? अरे कहाँ है? यही तो फेंकी थी, कहाँ है? मिल गई। भले ही किसी को उसका दीदार ना हुआ पर नाम से सब वाकिफ थे। रॉकी, Since 1951. नाग जी, आप इतने बड़े बदमाश को ब्रांड कैसे कह सकते हैं? कानून को हमने सोने से ठग दिया है, वो अपनी हद में भी रहेगा और सलाम भी मारेगा। पुलिस ने जिसको कैद करके मुजरिम बनाया, पब्लिक ने उसे दिल में बिठा कर बादशाह बना दिया। अब तो लोग रॉकी को गुलाम नहीं, कुछ और ही कहते हैं। मालिक, मालिक, जनाब आप कहानी से भटक रहे हैं। कहाँ भटक गया? आप तो बेंगलोर में थे ना, आपने तो उसके डॉन बनने के बाद की कहानी सुनाई। किसने कहा कॉफी लाने को? सॉरी। रॉकी की बेताबी बढ़ती जा रही थी। निशानात वाले ट्रक जो बम्बई बंदरगाह पर होने चाहिए थे वो पुलिस की निगरानी में बेंगलोर कैसे पहुंच गए, ये राज उसकी समझ से परे था और वो उसे हल करने में लग गया। Ah!
बंबई से जाने वाला ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं था जो रॉकी की नजरों से बचा हो। बॉक्सेस को खोलने वाला रॉकी इस बात की कभी फिक्र नहीं करता था कि उन पर किसकी मोहर है, लेकिन जब उसने बेंगलोर के गोदाम में उन्हीं बॉक्सेस को देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये सोना अफ्रीका से नहीं किसी दूसरी जगह से आ रहा है। अब उसका माथा ठनका कि आखिर ये सोना कहां से आ रहा है और इसके पीछे किस किस की साजिश है। ब्रेकिंग न्यूज, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की है और जीत का श्रेय पार्टी के कर्ता धर्ता श्री गुरु पांड्यन जी को जाता है। पार्टी उनकी शुक्रगुजार है। इलेक्शन का नतीजा आने वाला है, क्या वो सिर्फ CM के नाम का ऐलान करने के लिए शहर में आएगा? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। शेर को जंगल से निकालने के लिए चारा डालना पड़ेगा। वो किस तरह? उसके बाप का एक पुतला बनवा, सूर्यवर्धन का। ऐसी अफवाह फैलाओ कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका फीता काटा जाएगा, वो जरूर आएगा। क्योंकि उसके इलाके में हम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर वो अपने अड्डे से बाहर आया भी तो उसके पंटर उसे घेरे रहेंगे। जब जॉन नहीं होता तो सब तहस नहस हो जाता है। फरमाइए सर। जॉन, छोटे सरकार का बेंगलोर जाना तय हो गया है, तुमको भी उनके साथ ही जाना है। अगर हमने गफलत की तो हमारे मुंह में बारूद ठूस के तीली लगा देगा। बंबई वाला कहाँ है? मिल्की कहाँ है? जानू कहाँ जाने तमन्ना? तू बिजली मेरा जादू, नखर है बेकाबू, सोचा ना तूने कभी है खेल वो खेलो। हे बच तू बिजली मेरा जादू, नखर है बेकाबू, सोचा ना तूने तीर का दिल पे है तेरे निशाना निशाना। बच तू बिजली मेरा जादू, नखर है बेकाबू, सोचा ना तूने कभी रॉकी पब में आया है। वो वहां क्यों मरने आया? क्लब में हालात बेकाबू हो रहे हैं, आप फौरन आइए। ठीक है। ढूंढे अब यहाँ क्या तू? ब्यूटी तो ओनली मैं हूँ, क्या कोई बड़ी चाहे तू? ऐसे आगे न जा, मुझे भी देख ना जा, इशारे जरा समझो ना। ढूंढे ब्यूटी तो ओनली मैं हूँ, क्या कोई बड़ी चाहे तू? ऐसे आगे न जा, मुझे भी देख ना जा, इशारे जरा समझो ना। होशियार होशियार बत्ती है बुझी, रात है रुकी, दरिया को बांधने का यही है सलीका सलीका। बच तू बिजली मेरा जादू, नखर है बेकाबू, सोचा ना तूने कभी।
किसने? इस बाल की दुकान ने तुम्हारी पिटाई की, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैसे किसी भी शहर में जाने से पहले वहाँ का मौसम जानना जरूरी होता है, लेकिन बैंगलोर तशरीफ लाने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम कितने बैड हैं। कोई मंत्र वंत्र याद है तो पढ़ ले, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। गोली बर्बाद मत करो, ये उसके लायक ही नहीं है। जानते हो इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा की है? तुम्हें मारने के लिए नहीं, कितने नीच हो ये दिखाने के लिए। हमसे प्यार करने के लिए रुतबा होना चाहिए, और तुम तो बट्टेबाज हो। फिर भी तुमको एक अवसर और देते हैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। अगर तूने इन सब के सामने मुझे हाथ लगाया तो तू जीत गया। उंगलीबाजी करने आया था, पतलून गीली हो गई क्या बे? क्या बे खजूर, किधर जा रहा है? क्या रे कन खजूरे, क्या हो गया? डर के मारे हलक में आ गई क्या? माचिस मिलेगी? भाई पेट्रोल। शायद तुमने अब तक मुझको नहीं पहचाना। शूटर को निशाना लगाने की जरूरत नहीं, आशिक को इश्क जताने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है। जरा सा दिमाग लगाओ, मुझे समझ जाओगी। वो हलक में आने वाली बात किसने की थी? सॉरी भाईजान, गुस्ताखी माफ, अब तो डर से हमारी जान हलक में आ गई है। अरे हाँ, वो खजूर किसने बोला था मुझे? गलती होगी। अभी हम खजूर नहीं है, आफत है आफत। जंगल के शेर को इलाका कभी माप के नहीं देते, क्योंकि शेर का इलाका नहीं, पूरा का पूरा जंगल उसका होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आप हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। कमान हमारे ससुर जी भी आ गए, कोई स्वागत तो करो इनका। आप दफा हो जाओ यहां से। चाचा की वजह से बच गया। अरे बेवकूफ, वो मुझे बचाने नहीं आए, तुझे मुझसे बचाने आए हैं। कौन है ये? गरुड़ा को खत्म करने वाला हथियार। बैंगलोर आने के बाद तू अपना मकसद भूल गया है। शतरंज के इस खेल में तुम लोगों ने प्यादे को मामूली समझा, लेकिन आज तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लो कि प्यादा बादशाह के सामने खड़ा है। तेरा मंसूबा क्या है? गरुड़ा दूसरा रास्ता ही चुनेगा, जिस रास्ते में शोर शराबा भीड़ भाड़ होगी। जितनी भी नई दुकानें खुली है ना, और उन पे जितने ग्राहक आते हैं, या जिन लोगों ने अभी किराए पर मकान नया नया लिया है, ऑटो वाले, ट्रक वाले, टैक्सी वाले, वो सभी लोग गरुड़ा के पंटर हैं। हम उसे वहां नहीं ठोकेंगे। तो कहां? DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही ठोकेंगे। बकवास बंद कर, हर तरफ पुलिस होगी, आवाम के साथ साथ मिनिस्टर्स की भी तलाशी ली जाएगी। गुरु पांड्यान जी का हुक्म है, सबकी तलाशी ली जाएगी। छोटे सरकार आ रहे हैं। ऐसे में तू उसे वहां मारेगा?
क्या मेरी भी तलाशी होगी? अबे सब लोगों की होगी। तो मेरे लिए बस वहाँ एक बंदूक का इंतजाम हो जाए तो मिलेगी, वो भी विलायती। सूर्यवर्धन का पुतला बनाने का झांसा देकर वो सब गरुड़ा की राह देख रहे थे। उसी यकीन को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे बाप ने अजीम शान सल्तनत बनाई है, उससे भी शानदार सल्तनत अब मैं खड़ी करूंगा। पुतला सूर्यवर्धन का बनने वाला था, लेकिन बनाया गरुड़ा का। मतलब गरुड़ा बच गया, मतलब मात खा गया आपका हीरो। कह सकती हो। अब क्या होगा हीरो का, वापस आएगा? मशहूर कहावत है कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। क्या मतलब? सफा नंबर 128, बड़ी मुश्किल से कुछ लिखने की हिम्मत की है, पढ़िएगा जरूर। दरवाजे बंद करके सबको बाहर तैनात कर दो, कोई भी अंदर घुसने न पाए। वो हमें इतनी आसान मौत नहीं देगा, सांप और बिच्छू से कटवा कटवा के मारेगा। एक तमंचा अंदर ले जाने के लिए हमने कितनी मगजमारी की,
और उसके आदमी हथियार लिए खुलेआम घूम रहे थे। हमें तो लगा कि हमने जंग जीत ली, लेकिन वहां तो तख्ता ही पलट गया। वो बंबई का शाना कहाँ है? अंदर बैठा है। हमें लगा हम उसे खत्म कर देंगे और उसके बाद उसकी कुर्सी पर कब्जा हमारा होगा। हमने दुनिया पाने के लालच में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। पता नहीं हमारा क्या हाशिर होगा। दुनिया पर गरुड़ा ने हम लोगों को मारा क्यों नहीं? पावर, जब चाहे हमें कीड़ों की तरह मसल सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब उसके बाप का जनाजा उठे। गरुड़ा को टपकाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अगर वो नहीं मरा तो हम मरेंगे। मतलब हम वहां जाएंगे गरुड़ा के अड्डे पर, उन शैतानों के बीच जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इस बार उसने हमारी जान बख्श दी है, लेकिन अगली बार वो ये गुस्ताखी नहीं करेगा। ये बताओ वहां जाएगा कौन? एक तरफ जहां दुश्मन के खौफ का साया था, दूसरी तरफ वो आग का पर्वत बना खड़ा था। आगे का पन्ना तो शायद जल गया है। मैदान जंग में हमला पहले कौन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले शिकस्त किसकी होती है। जिसे खत्म करने के लिए मुझे बुलाया है, उसका काम तमाम किए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। वो चाहे आसमान में हो, पाताल में हो, उसे वहीं जाकर खत्म करूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। मुबारक हो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये तावीज किस लिए? मुझे भगवान पे यकीन नहीं है। मुझ पर तो यकीन है ना। इसे खुद से अलग मत करना। हेलो, तुम लोग जल्दी से नक्शा बनाओ। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा, और इस नक्शे में सिर्फ आधी जानकारी है। बाकी की मालूमात तुम्हें खुद हासिल करनी पड़ेगी। जब पूरी तैयारी हो जाए तो एक इशारा देना, धमाकेदार। वहां पहुंचने की बस एक ही तरकीब है। जॉन नाम का एक शख्स जबरदस्ती लोगों को उठाकर ट्रक में डालेगा। तुम्हें बस उनमें से किसी एक ट्रक में दाखिल होना है। एक बात अपने जहन में रखना कि वो गांव चारों तरफ से उनके आदमियों से घिरा होगा। हिम्मत मत हारना। साहब, रॉकी के बारे में कोई जानकारी मिली? जाफर, जनाब के लिए ईरानी चाय लेके आ। पिताजी, रॉकी कहां गया आप जानते हैं? 25 बरस से हम उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए अनजान हैं। अंकल, आप बताएंगे या हम तकलीफ करें? उनका ठिकाना नर्क से भी डरावना है। अंकल, वो रॉकी, इसका आशिक, वो उस जहन्नम से वापस नहीं आ पाएगा। ये बताने की तकलीफ आप करेंगे या हम करें? यहाँ भेड़ों के बीच में रॉकी भले ही भेड़िया बनता था, लेकिन उस नर्क में रॉकी की औकात एक कीड़े के बराबर है। तुम उसकी परवाह मत करो चाचा, भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगा। अरे नहीं रे, मुझे रॉकी की कोई फिक्र नहीं है। जाने से पहले वो मुझे चुरुट पिला कर गया था,
बहुत ही मजेदार थी। कहाँ से खरीदी थी बस यही पूछना था। तू उसकी चिंता मत कर, उसके बारे में आप तो जानते हैं ना साहब। नीचे बैठ, उन सबको गाड़ी में डालो। कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ? आने दे, उसे बाहर नहीं जाने देंगे। अबे वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, अंदर ही आ रहा है। क्या उसने किसी काम को करने की ठान ली तो बस, ना वो रुकता है और ना ही ठुकता है। दुआओं का साया है उस पर। वो एक चलता फिरता ज्वालामुखी है। रॉकी आग का शोला है और दुश्मन डीजल। दुश्मनों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, शोले उतने ही भड़केंगे। धक 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 धक। जिस जंगल के बारे में बता रहे थे ना, कभी खुद वहां मत चले जाना। कसम खुदा की, जंगल में अग्नि वर्षा होगी। साहब चाय तो बर्फ बन गई। हे छोटू, गरम चाय लेकर आ, मलाई मार के। आज चुरुट पीनी ही पड़ेगी, देखते हैं कहां मिलती है। कौन था? वो, कितने लोग थे वो? वो अकेला जा। हमका छोड़ दो। लगता है इन लोगों की आपस में हाथापाई हुई है। पहले ट्रक को रवाना करो, वो लोग राह देख रहे हैं। और वो चल पड़ा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो किस राह पर जा रहा है।
वो अपनी मंजिल से बेखबर था। वो ये भी नहीं जानता था कि अंजाम क्या होगा। सूर्यवर्धन उन बुलंदियों पर पहुंच चुका था जहां उसके करीब कोई नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो फिसला उसके चाहने वालों के तेवर ही बदल गए। मेहनत मशक्कत की बुनियाद पे ये सल्तनत खड़ी है, उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद इसका वारिस कौन होगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा? अधीरा। जी भाईजान, अब हमारी सल्तनत में बहुत धोखेबाजी और गद्दारी होने लगी है, लेकिन हमको तुम पर बहुत नाज है। जैसे तुम बिना लालच के हमारे वफादार रहे, वैसे ही गरुड़ा के साथ रहना। भाईजान की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जब तक गरुड़ा जिंदा है हम इस गद्दी की तरफ आंख उठा के देखेंगे भी नहीं। सूर्यवर्धन के इस फैसले ने उसकी सल्तनत में खलबली मचा दी। अधीरा ने गरुड़ा को मारना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहा। पर गरुड़ा ने जब पलटवार करवाया तो अधीरा का काम तमाम कर दिया। गरुड़ा ने पूरी सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने हिसाब से चलाने लगा। उसे मालूम था कि बहुत सारे लोग केजीएफ पर नजर कड़ाए बैठे हैं, लेकिन उसने अहद कर लिया कि जब तक उसके पिता जिंदा हैं वो खामोश रहेगा, लेकिन उसके बाद वो उन सबको नेस्तो नाबूद कर देगा। सूर्यवर्धन ने अपनी सल्तनत को महफूज रखने के लिए तीन पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। एक बुलंद दीवार, दूसरा बड़ा मजबूत दरवाजा और तीसरा एक ऐसा बेरहम पहरेदार जो इन सब की हिफाजत कर सके, वानरम। दो सौ एक आदमी और 15 औरतें, कुल मिलाकर 216 लोग हैं। इस साल का 41वां ग्रुप है ये, काम धंधे पे लगा दो। सूर्यवर्धन ने लोगों के खून की बुनियाद पर इस किले की बुनियाद रखी थी, लेकिन उसे इस बात की फिक्र थी कि उसका खून बहाने के लिए किसी भी बाहरी इंसान के कदम उसकी तरफ न बढ़े। सूर्यवर्धन ने इस जगह का नाम रखा नराची। नराची यानी सुनार का कांटा। तराजू के एक तरफ वो चाणक्य की सूझ दिखाता और दूसरी तरफ डराकर बराबरी का एहसास दिलाता। सब नए लोगों को यहाँ के कानून सिखा दो। ये
जान कब छूटेगी? हम भी इनसे 20 बरस से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। यही हमारा मसीहा है, यही हमें बचाएगा, यही बचाएगा। कुछ भी बकवास कर रहा है, यही यहाँ से आ गया। किसने हाथ उठाया? हमने मारा। इसकी मरहम पट्टी करा के इसे खाना खिलाओ। पल भर में शैतान बन जाता है और पल भर में इंसानियत दिखाता है। मेरा भाई सनकी है। इंसानियत? तुम अभी अभी लंदन से आए हो ना, रफ्ता रफ्ता सब समझ जाओगे। मालूम है ये तीनों कौन है? ये गरुड़ा का कत्ल करने आए थे, पर वो उनकी सेवा कर रहा है क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। क्या मतलब? कुछ भेजे में घुसा। तुम सब यहां नए दाखिल हुए हो, अब तुम्हें अपना पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। यहां आंसू बहाने से तुम्हारी तकदीर नहीं बदलने वाली। नया दाखिला है ना? नया दाखिला है ना? कोई नई फिल्म आई क्या? कोई नई फिल्म आई क्या? मालूम नहीं क्या? मालूम नहीं क्या? निकलो, निकलो। अंदाजा भी है यहाँ क्यों आए हो? खदान में काम करने। रोजाना 18 घंटे काम करना पड़ेगा। पहरेदार से आंखें मिलाने की गुस्ताखी मत करना, वरना वो तुम्हारी आंखें नोच कर चील कौओं का निवाला बना देंगे। सौ फीट की गहराई में मजदूरी करनी पड़ेगी। पहले दिन रूह कांप उठेगी। बाहर की दुनिया को अलविदा कहना होगा। अबे घूर क्या रहा है? चल काम पे लग, चल। तू भी चल। जा रहे, जा रहे। धमाका होने वाला है। बैठ जाओ। खामोशी से अपना काम कर।
नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, नया दाखिल हुआ है, मैं समझाता हूँ इस बंदे। कायदे से समझाओ। पहले ही दिन मुसीबत क्यों मोल ले रहा है? क्या करता था पहले? बाहर रोजी रोटी का जरिया क्या था? मजदूर थे। तुम्हारे हाथों के जख्म बता रहे हैं कि तुम्हारा पेशा क्या था। अगर यहां के कानून और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए चलो चाचा, अरे माफ करना, लग गया क्या? कुछ नहीं हुआ, ये लो, ये लो पकड़ो, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। परसों जब 41वां ग्रुप यहाँ आया था तो उस ग्रुप के जॉन के साथ कुछ झड़प हुई थी। क्या हादसा हुआ था तफसील में बताओ। मामूली लफड़ा झगड़ा तो होता रहता है, पता नहीं इस बार क्या माजरा हुआ कि सबके सब मारे गए। उनमें से कोई जिंदा हाल है या नहीं? मेरे पहुंचने तक बस एक ही जिंदा था। कुछ बयान दिया उसने? मरते मरते उसने कहा कि वो अकेला था, पर कुछ समझ में नहीं आया। अकेला? वानरम सर, हेलो। वो शख्स अकेला था। शतरंज के इस मुकाबले में बाजी कभी भी पलट सकती है। दरवाजे पे पहरेदार, माइनिंग पे पहरेदार, निगरानी करने वाले टावर पे पहरेदार, और हाँ एंट्री पे पहरेदार। गरुड़ा का गार्ड तुम्हारा बाप बोलेगा? माफी, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी फुल टाइट है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसे लाइन तो पार करनी ही होगी, और टावर के नीचे बनी सुरंग में घुसकर उसे गरुड़ा को खत्म करना ही होगा। हमने उसे सिर्फ आधा नक्शा ही दिया है, अब उसे कौन से टावर के जरिए अंदर जाना है उसे खुद ही मालूम करना होगा। वो कैसे मालूम करेगा? मेंटेनेंस रूम, वहाँ उसे पूरे नाराजगी की जानकारी मिलेगी। बगैर इजाजत वहाँ परिंदा भी नहीं जा सकता। ए, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पहरेदार तैनात होते हैं। तो फिर वो कैसे अंदर जाएगा? अब इस गुनाहों के रेगिस्तान में कई बेगुनाहों का खून बहने वाला है। खबर मिली है कि बकरे की जगह 3 लोगों की बलि देंगे। यहाँ पर बिजली जाने के बाद चारों तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। पता नहीं कभी कभी अजीब माजरा होता है कि वॉकी काम ही नहीं करता। हेलो। कई मुश्किलों के बावजूद नराची पहुंचकर रॉकी वहां के बारे में मालूमात हासिल करने निकला था। 20,000 गुलामों के लिए 400 पहरेदार, यानी उनके कानून जरूरत से ज्यादा सख्त थे। उस दिन के हादसे के बाद रॉकी वहां के लोगों की हर कहानी में एक किरदार बन गया। ए चल चल,
चल मेरे को गाड़ी चलाने दे, चल चल बाजू हट, चल चल कराना ये मेरे को चलाने दे गाड़ी, चल। जिस दिन उन्हें मालूम होगा कि इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसी दिन इसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। अगर उन्हें पता चला कि काम करने की कुव्वत नहीं है तो खत्म। अब वो शैतान आएगा, एक नंबर का जल्लाद है ये। लोग कैद खाने में जानवरों को डालते हैं, पर यहाँ तो जानवरों की जगह इंसानों को डाल दिया गया है। यहाँ दिन रात बराबर है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ का कोई मसीहा है ही नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो है सिर्फ गरुड़ा। रहम नाम की चीज की यहाँ कोई कीमत नहीं। अब वक्त आ गया है इस इलाके के राजा को नेस्तो नाबूद करने का। गरुड़ा इस बात से बेखबर था कि उसका तख्ता पलटने के लिए कोई तैयार खड़ा है। इन लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया है, सफेद लाइन पार करने की जुर्रत की है। आज उनको भूखा ही रहने दो। आम रियाया की जिंदगी बद से बदतर होती गई। सुनो, केशव को बुला कर लाओ, उसकी कहानी सुन के शायद बच्चे भूख से बिलखना बंद कर दें। जिस जगह लोग जीने से मायूस हो चुके थे, वहाँ एक दीवाना उन लोगों में नई जिंदगी फूंक रहा था। एक ही कहानी सुन सुन के बेजार हो गए, कोई नई कहानी सुनाओ। इतनी फिल्म देख के हर रोज एक ही कहानी सुनाते हो। कहानी सुनाओ, नई कहानी सुनाओ। हम तुम सब लोगों को एक बयाबान जंगल की दास्तान सुनाते हैं, एक जावास की दास्तान। जल्दी सुनाओ। पहाड़ी पर माता का मंदिर था, उसके नीचे एक बयाबान जंगल था। उस बयाबान जंगल के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत कस्बा था, जहाँ से शांति शादी करके आई। तुझे खूबसूरत बेटा। ए दादी, बेटा क्यों? मुझे बेटी ही चाहिए, दोबारा आशीर्वाद दो। बेटी ही पैदा होगी। एक दिन उस जंगल में जुल्म का कहर बरसा और पूरा कस्बा नेस्त नाबूद हो गया। तुम कौन सी पायली में हो? रात पायली। और हमारी सुबह की है, रुको हम कुछ करते हैं। मेरी बात सुनो, उन लोगों से कुछ भी मत पूछो, पता है ना वो कितने बेरहम हैं। अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वो जंगल आग की लपटों में खाक हो गया। रब करे बेटा ही हो। क्यों? किसी ने तुम्हें बताया नहीं, ये लोग जालिम हैं। बेटी के पैदा होते ही उसे जमीन में जिंदा दफन कर देते हैं। हे प्रभु, मेरी मदद कर, मुझे लड़का ही पैदा हो। कई मासूम भूलों ने माँ के शिकम में ही दम तोड़ दिया। क्यों बे, अनाज की बोरी वहाँ क्यों रखी है? तमाशा करने के लिए। ए, जाओ रे, जाके राशन ले लो। वहाँ ऐसे खूनी दरिंदे थे जो इंसानों का खून चूसते थे, उनका गोश्त नोश नोच के खाते थे वो जल्लाद। मासूम परिंदों का उजड़ गया बसेरा। उन खुद्दारों की लाशें लेकर पहुंच गए कब्रिस्तान। कमर टूट गई, सर झुक गए, और तकदीर भी अब नहीं दे रही साथ। अब तो इस बात कभी यकीन नहीं कि मालिक देंगे सहारे का हाथ। मालिक दे दो सहारे का हाथ। मगर
तकदीर को बदल कर गुरूर का सीना चाक करके उन दरिंदों की छाती पर नाचने के लिए एक अरसे से माँ के शिकम में पैदा होने की राह देख रहा था सुल्तान। जो कुछ हूँ मैं तुझसे ही हूँ, तू दुनिया मेरी है माँ, तुझसे ही जीवन सब कुछ है अर्पण, तेरे बिन अधूरा हूँ माँ, तेरे आंचल में ममता की छाव माँ, तू ही मेरी धड़कन है माँ। अब और नहीं जब इस दुनिया में आना तो ताकतवर बनकर आना ताकि मेरी हिफाजत कर सके। इस दुनिया में जितने भी बेसहारा लोग हैं तो उन सब का मददगार बनकर आना। अब सहन नहीं होता, आजा बेटा। जब वो आया यहाँ वहाँ डर के छुप गए चांद सितारे बादलों की आड़ में, तभी आतिशिशा बनकर पैदा हुआ सुल्तान। बारिश की बूंदों में लगी हो आग ऐसे शैतान को तबाह करने वाला पैदा हो गया हो जैसे, मुफ्तखोरों के सीने पे खड़ा हो ऐसे, दुश्मनों के लिए जहरीला खंजर हो जैसे, गुस्से के कहर को काबू में करके ऐसे मालिक से सवालों का जवाब मांगना हो जैसे, जिसमें हो बिजली से भी ज्यादा रफ्तार, जो जाबाज खंजर और तलवारों के भी हो जाए पार। फिर आगे आगे क्या हुआ? बेटा तुझे इस दुनिया में लाकर मैंने एक माँ का फर्ज अदा कर दिया, अब तुझे जुल्म के खिलाफ लड़कर माँ का कर्ज अदा करना होगा। मौत भी उसके साए से थर थर कांपे। अगर वो कदम बढ़ाए तो तुम बंदूक उठाना। कुदरत भी उसका साथ दे जब वो दुश्मन का रास्ता नापे। जो तकदीर पर यकीन करे और दुश्मन को रौंद कर चले, जिसके जिगर में डर नाम का खौफ ना हो, जो जुल्म को नेस्तो नाबूद करने जहां में आया हो। जो न डरे तीर से न तलवार से, जो डरता है सिर्फ परवरदिगार से। शैतानों पे टूटने वाला वो है सुल्तान, सालिमों को रोकने वाला वो है सुल्तान, कहर बन के बरसे था यहाँ। शैतानों पे टूटने वाला वो है सुल्तान, सालिमों को रोकने वाला वो है सुल्तान, कहर बन के बरसे था यहाँ। शूर है, शूरवीर है, शक्तिशाली है। शूर है, शूरवीर है, शक्तिशाली है। अरे हमको पूरा यकीन था कि वो वापस जरूर आएगा। क्या हुआ? बादलों सी गरज है जिसमें वो है सुल्तान, मौत बन के सर पे नाचे वो है सुल्तान, कहर बन के बरसेगा यहाँ। बादलों सी गरज है जिसमें वो है सुल्तान, मौत बन के
सर पे नाचे वो है सुल्तान, कहर बन के बरसेगा यहाँ। शूर है, शूर वीर है, शक्तिशाली है। शूर है, शूर वीर है, शक्तिशाली है। बाणास, बाणास, बाणास। नाग जी आप बड़े जिगर वाले हैं, आपने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इसमें जिगर वाली कौन सी बात है, तेरी खबर अखबार में छपेगी ही नहीं। वो क्यों? रॉकी की मर्जी। अगर वो इतना बड़ा डॉन है तो लोगों के सामने क्यों नहीं आता? बुजदिल है क्या? शातिर खिलाड़ी हमेशा दो कदम आगे की सोच कर चाल चलते हैं, लेकिन उसकी सोच दूसरों से जुदा है, वो ब्लाइंड खिलाड़ी है। तेरे को एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन एक पब में बहुत गोलीबारी हुई, 20 लोग बंदूक लेकर इतनी फायरिंग हुई कि पूरा पब तहस नहस हो गया। ए रंगीला, इसका मॉडल नंबर तो बताना। M16 ऑटोमेटिक बंदूक है। इतने सारे लोगों ने उस पर हमला क्यों किया? ए, कुछ भी मत बोल, ये छाप मत देना। हमारा कलेजा कांप रहा है। 20 लोग उस पर हमला करने नहीं आए थे, वो 20 लोगों पर हमला करने अकेला गया था। वो दरवाजे पर इसलिए बैठा था ताकि कोई उसके निशाने से बच न जाए। उसके पास गन तो एक थी पर निशाने अनेक। ए, हम सबके पास तो हथियार है और वो अकेला, फिर किस बात का खौफ? उसको मालूम है हम लोगों की पूरी फौज है और सबके पास हथियार है, फिर भी वो अकेला आया है। डर लगना तो जायज है ना? जिंदगी में थोड़ा खौफ तो होना चाहिए ना साहब। थोड़ा नहीं, पूरा। इतना खौफ जरूरी है कि एक बार डर भी खौफ से कांप उठे। जब तक दुश्मन की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली ना हो जाए, सुरूर ही नहीं आता है। क्या वो इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, और अकेला आने वाला कहलाता है मॉन्स्टर। मैं फिर भटक गया क्या? KGF में हर तरफ चालें चली जा रही थी, साजिशें जोरों पर थी, सूर्यवर्धन सब जानता था। उसे इस बात का अच्छी तरह से इल्म था कि आने वाले वक्त में उसकी सल्तनत में एक बहुत बड़ी जंग होगी। क्या देसाई साहब, इतनी दूर तशरीफ ले आए? कांटा भलक में आप फंसा है, इसीलिए आना पड़ा। ये लो। ये सब हमसे देखा नहीं जाता। चाचा तो जा चुके हैं, पिताजी भी कुछ दिन के ही मेहमान हैं। क्या हम दोनों का खून देखने के बाद ही तुझे सुकून मिलेगा? बड़े सरकार अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उसके बाद सोचा हमारा अंजाम क्या होगा। वैसे मेरी फिक्र भी आप लोग ही कर रहे हैं। मछली का लालच देके मगरमच्छ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मगरमच्छ का पेट एक मामूली मछली से नहीं भरता। दो कतरा खून देकर तुम्हारी रूह कांप गई, इससे पहले कि मैं खून का सैलाब ले आऊं, दफा हो जाओ यहां से। राज्य के चारों तरफ गिद्धों ने डेरा डाल दिया है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन फिक्र की बात तो कुछ और ही है। हमारी रुखसती के बाद बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। इनायत खलील, वो मौके की फिराक में है। एक बार कब्जा कर लिया तो वापस नहीं जाएगा। जानते हो इस बार इलेक्शन में कौन किस्मत आजमा रहा है? रमी का सेन। हम भीड़ जमा करने के लिए भाड़े के टट्टू लाते हैं, और उसका नाम सुनते ही लोग ताजीम से खड़े हो जाते हैं। अगर वो हुकूमत में आ गई तो ये दोनों मिलकर इस सल्तनत की बुनियाद हिला सकते हैं। पहले इन्हें अंजाम तक पहुंचाओ। बच्चियों की जान लेता है, ये वही है।
आपने माचिस कौन गायब किया? ऐसा महसूस हुआ किसी ने पीछे से धकेला। आग, 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 आग। अबे रुक, लगता है कुछ बंदे कम है, फिर से गिनती कराओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनचालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, तिरालीस। दो, हम सही गिने थे। आज खाना बड़ा ही लजीज बना है। हमको भी अपने साथ ले चलो। कहाँ? बाहर, हमको सब मालूम है। जुबान खोली तो जान से जाएगा। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मेंटेनेंस रूम के हादसे के पीछे यकीनन किसी का हाथ है। ऐसा लगा किसी ने भारी चीज मारी। इतने इंतजामात के बावजूद किसी ने वहां घुसकर नक्शा देखा है। परसों जो ग्रुप आया है उसमें से कोई बंदा जरूर आपका कत्ल करना चाहता है। हमारा कत्ल करेगा, वो भी यहाँ? तुम्हारा दिया बासी खाना खा के कोई मस्के पाव के लालच में मेंटेनेंस रूम में दाखिल हुआ होगा। हम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बात है, उस बैच में काम करने वाले सभी मजदूरों को बर्तन से खींच कर हमारे सामने हाजिर करो। हेलो हेलो, छोटे सरकार बस्ती की तरफ आ रहे हैं, चौंकना रहे। मेंटेनेंस रूम में जो दाखिल हुआ वो खुद कबूल कर ले तो सिर्फ वही मरेगा, नहीं तो यहाँ लाशों के ऊपर लाशों की सफ बिछा दी जाएगी। निशाना लगाओ। उसका नाम बता दो, तुम सब की जिंदगी बख्श दी जाएगी। Oh!
जिसे तलवार पकड़ने की तमीज नहीं, उसे भेजेंगे मेरा कत्ल करने के लिए। जो मेंटेनेंस रूम में दाखिल हुआ था उसे मार दिया गया है। अब छोटे सरकार महल की ओर रवाना हो गए हैं। हेलो, तुम्हारे बंदे को मार दिया गया। क्या क्या हो गया? रॉकी मारा गया। सब तबाह बर्बाद हो गया। और बुलाओ बंबई से उन छपरी लोगों को। अब बैठ के मौत का इंतजार करो। बेटी पैदा हुई है। इसी नन्हे मुन्ने की खातिर कल इसके बाप ने अपनी जान दे दी। हमको भी अपने साथ ले चलो। अगर वो कल सामने नहीं आता तो उसकी बीवी जो पेट से थी उसका कत्ल कर देते। लगता है इस बच्चे को भी नहीं 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 नहीं, 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 नहीं ये बचाएगा, ये बचाएगा, बचाएगा, यही बचाएगा। आशा पे मन के खरा उतरूंगा सितारा उमां, कोई डर के ना जी पाए, सबका बनेंगे सहारा उमां। कितनी भी मुश्किल हो हो रहा है कि इस बार इसकी सुनाई कहानी जरूर सच होगी। माँ, माँ, मैं आ गया। उठना माँ, माँ। तंदानी नारे तारी मंदारो तारे नारे Hey, तू अपनी मंजिल पे ध्यान दे रॉकी। चलो भाई चलो। सर झुका के चलो। दिल लगा के काम पे लग जाओ। टाइम पास मत करना रे। मालिक, क्या हुआ मालिक? गमछा उतार बुड्ढे। गमछा उतार।
अगर ये गमछा उतार कर टोकरी में डाल दिया तो तेरी जिंदगी बख्श देंगे। नहीं। चाचा नहीं। वो जानता था वो देख नहीं सकता, फिर भी आपके हीरो ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। सर वो खामोश क्यों खड़ा था, उसने कुछ किया क्यों नहीं? दुबे तुम चुप रहोगे? अरे हम नहीं चुप रहेंगे, हम कहानी में घुस गए। सर वो बचाएगा क्या, उसने कुछ किया क्यों नहीं? वो बेबस था, तारीख एक रात में नहीं लिखी जाती। ए जाओ दादाजी के कफन दफन का इंतजाम करो। जाने दो, उसकी किस्मत में यही लिखा था। इस गरीब की मुफलिसी तो हम निकालेंगे। ऐसे भी जुल्म ही सह रहे थे। अरे हम मारेंगे। कम से कम मरने के बाद उन्हें निजात तो मिलेगी। बुढ़ा अपनी मौत खुद तय करेगा, जिसकी थाली में इसके कदम पड़े वही इसकी जान लेगा। थाली में अपना अपना नाम लिखो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। बच्चे की बात का बुरा नहीं मानना, आज तक बड़े से बड़ा 30 बार खान इन लोगों का बाल भी नहीं बाका कर पाया। लगता है यहाँ पर मर्द का बच्चा है ही नहीं। तारीख जल्दबाजी में नहीं लिखी जाती, आप कोई मंसूबा बनाकर भी नहीं कर सकते। बस एक शोला चाहिए। ए बुत क्यों बन गया तू, चला दौड़ा रख। उस रोज तो आग ही भड़क उठी। मेरी वाली भी बच गई, हमारी वाली भी बच गई, हमारी प्लेट भी बच गई। हमेशा यही कमबख्त बाजी मारता है। चील उड़ी, कौवा उड़ा, तोता मैना उड़ी। अब तक तुम लोगों ने परिंदों को ही उड़ते हुए देखा होगा, है ना? लेकिन आज ये क्या हुआ? ये बत्ती गुल कैसे हो गई? देख बिजली क्यों चली गई,
ये फ्यूज किसने निकाला? ये तो कांचा की आवाज है, जाते क्या मसला है? कुछ तो मामला है। क्या मसला है? जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। किशन कहाँ गया? हा? इसकी शक्ल का तो नक्शा बिगाड़ दिया है। कौन मारा इसको? कौन है? मारना नहीं, मारना नहीं। रोशनी कर। मर्द की नजर गए तो सामने आना बे। तुम थे क्या भाई? कौन है बे? वो उस तरफ होगा, चलो। ये क्या हो रहा है? देखो, इसने सबका कत्ल कर दिया। उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस और तुझे मिलाकर 23। गिनती तो दुरुस्त की ना मैंने? सबको कत्ल कर दिया, बस एक को छोड़कर परेड निकालने के लिए। आज बड़ी जोरों से कुटाई हो रही है, सब ठीक तो है ना? लगता है आज किसी का नसीब टूट गया है।
उसने उस बूढ़े के लिए या उस बच्चे के लिए वहां के लोगों के दर्द के लिए या फिर खुद के लिए उन सब को खत्म कर दिया नहीं मालूम, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अरसे के लिए उन सबको राहत मिल गई। जो पिक्चर में एकदम जाबाज होता है ना, तुमको देख के हमको वैसे ही महसूस हुआ। कौन, हीरो? नहीं, विलन। परेशान ना हो, इसे दफना देंगे। जला दो। पर क्यों? कर दो जंग का ऐलान। कहां गए सबके सब? बता दो यहां से सब दफा हो गए हैं। काली माँ की पूजा से पहले हम लोग यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। तुम लोग भी गांव के लिए रवाना हो जाओ। उस दाढ़ी वाले पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो रॉकी अभी मरा नहीं है। उसने हमें इशारा दिया है। जब काम तमाम हो जाए तो मुझे इशारा देना। धमाकेदार आग का धमाका। झुग्गियों में आग लग गई है। हमारे 23 गार्ड लापता हैं। जल्द से जल्द वहां के लिए रवाना हो। उन 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉकी ही है। उसके अलावा इतनी हिम्मत और किसी में नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई तरकीब निकालनी होगी। करुणा को रोकना होगा। ये चाल किसने चली है ये जानने के लिए वो सबको मरवा डालेगा। अरे उस गाड़ी को रोकने के लिए कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। पिताजी टपक गए। पहरेदार इस तरफ आ रहे हैं। 23 पहरेदारों को हम जला रहे हैं। उन्हें पता चला तो क्या होगा? अरे सुनो, बड़े सरकार इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या बड़े सरकार जल्दी से? सरकार। साहब, बड़े साहब का इंतकाल हो गया। इसी का डर था। दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हमें गौर करने की जरूरत है। अब देवी माँ की पूजा के बाद ही तमाम दुश्मनों का सफाया होगा। पुजारी जी। फरमाइए सरकार। आज ही रात पूजा की तैयारी करो, सूरज निकलने से पहले तक सारे दुश्मनों का सफाया होगा। एक तरफ वानरम को शक हुआ तो उसने पहरे और बढ़ा दिए। आज मैदान में मत जाओ, बल्कि सब पर नजर रखो। सफेद लाइन की निगरानी और कड़ी कर दो। और दूसरी तरफ विराट उम्मीद लगाए बैठा रहा। छोटे सरकार के कमरे के अंदर कोई दाखिल ना होने पाए। अगर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद उसने गरुणा को कत्ल कर भी दिया तो वहाँ से महफूज कैसे निकलेगा? ये वायरलेस अपने पास रखो, वहाँ की सारी जानकारी मुझे देना। पूरी जानकारी। चला जल्दी। अगर वो कामयाब ना हुआ तो? बापरे,
बाकी सब उनका क्या होगा? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? कौन सा आसमान टूट पड़ा था? फोन पे बता देते। पिताजी, आप इसे बताएंगे या हम बताएं? वो जगह भले ही नर्क हो और वहाँ के लोग राक्षसी क्यों ना हो, पर वहाँ जो गया है वो मेरा शेर है। ये आप इसे बताएंगे या हम बताएं? हमें बहुत डर लग रहा है। पहले दिन से ही हम सब खौफ खाते आए हैं और सभी को जहन्नुम में जीने की आदत पड़ गई है। शुरू से ही गुलामी में जी रहे थे, लग रहा था गुलामी में ही मर जाएंगे, पर अब एक उम्मीद जगी है, लग रहा है कोई तो मसीहा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जब जब जुल्म बढ़ता है तब एक मसीहा आता है। आज हमारे जहन में आ गया, यही वो मसीहा है जो हम सबको जुल्म से निजात दिलवाएगा। सर्किट की वजह से पूरे डराची की बिजली गुल हो गई है। तबियत लाइन की निगरानी और बढ़ा दी है। जल्द से जल्द छोटे सरकार के कमरे तक पहुंचो। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड पहुंच गए हैं। हम लोग यहाँ से छोटे सरकार को पूजा की जगह लेके जा रहे हैं। और कहाँ गया वो? भाग गया क्या? हॉस्टल कहीं का? पूजा की जगह पर वॉकी टॉकी का सिग्नल गायब हो जाता है। छोटे सरकार के पास एक परिंदा भी पर न मारने पाए। मुस्तैद रहना। एक बात बताइए जनाब, अगर रॉकी नाकामयाब हो जाता तो लोगों की उम्मीदों का क्या होता? बचाने वाली है ना हमारी माँ। जय माँ काली। यात्रा में मारेगा वो, यात्रा में मारेगा वो। शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के करीब हुआ है जनाब। किसी ने तांबे के तार का लंगर बनाकर बिजली के तार पर फेंका है, जिससे पूरे इलाके की बिजली चली गई है। बिजली जाते ही हमने 10 सेकंड में गाड़ियों की बत्ती और टॉर्च जला दी थी। इतने कम वक्त में किसी का सफेद लाइन को पार करना नामुमकिन है जनाब। पूरे नराची में एक ही सुरंग है जो छोटे सरकार के महल तक जाती है। इतना सब करने के बावजूद कोई महल में घुसना चाहे तो उसे बहुत वक्त लगेगा जनाब। आपका हुक्म मिलते ही हमने छोटे सरकार के महल के बाहर पहरा बढ़ा दिया था और वो पूजा की जगह तक पूरी हिफाजत के साथ गए हैं। वो जरूर कहीं छिपा बैठा है। जैसे ही बिजली गुल हुई, हमने हर तरफ के पहरेदार छोटे सरकार की खिदमत में लगा दिए। आप बेफिक्र रहिए, छोटे सरकार की पूजा खत्म होने से पहले हम पूरे महल की तलाशी करवा लेंगे। उन तीनों कैदियों को यहाँ लेकर आओ।
शॉर्ट सर्किट करके वो महल में दाखिल नहीं होना चाहता था। उसका मकसद पूजा की जगह पर पहुंचना था। रमन्ना, वो यही कहीं पर है और कमबख्त यहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहा। सबको वहाँ पूजा की जगह पर ले आओ। रमन्ना, रमन्ना, वो यही है। रमन्ना, वो यही आस पास है। हमारी बात सुन रहे हो या नहीं? जनाब, वो जो तीन कैदी तहखाने में बंद थे, उनमें से एक की लाश वहां पड़ी है। क्या? गया था, संभालो इसे। नहीं बा, वो स्कूल में रोज परेशान करता है, इसलिए झुंड बनाकर गए थे। क्या, झुंड बनाकर मारने गया था? नहीं, नहीं। अकेला जा। हेलो, हेलो, कोई सुन रहा है? बोल कुलकर्णी। उसने मार दिया। क्या कहा? दोबारा बोल। करोड़ों का उसने कत्ल कर दिया। खबर आग की तरह फैल गई कि गरुड़ा मारा गया। सूर्यवर्धन ने सबको खबरदार किया था कि गिद्ध भी इंतजार में है। भाई, हिंदुस्तान से एक पैगाम है। अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर आमादा हैं। मोहतरमा, केजीएफ में भाईजान गरुड़ा का कत्ल हो गया, तो कुछ उसे हथियाने में। जब तक गरुड़ा जिंदा है, हम इस गद्दी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। ये अल्फाज तो हम भाईजान को बहलाने के लिए कहे थे। अब देखना हम कैसे पूरी सल्तनत पर कब्जा करेंगे। लेकिन लोग इस बात से बेखबर थे कि कोई और वहां पहुंच चुका है। ताकतवर इंसान मजबूत इरादों के साथ आते हैं। एंड्रयूज ने जब उसे मुंबई देने के नाम पर हड्डी डाली, तो रॉकी को बंबई का समंदर भी एक कुआं लगने लगा। रॉकी को किसी और ही समंदर की तलाश थी। गरुड़ा को देखने के बाद रॉकी समझ गया कि यही वो ताकतवर इंसान है जो उसे अपने मकसद में कामयाब बना सकता है। इसलिए उसने मौका मिलने पर भी उसे मारा नहीं। केजीएफ को जीतने के लिए उसे एक फौज की जरूरत। रॉकी ने सबके सामने गरुड़ा के दो टुकड़े कर दिए। लोगों के दिल का डर खत्म हो गया, सब रॉकी की तरफ आ गए। उसका सिर जिस्म से जुदा कर दो। जहां 400 पहरेदार बंदूक हाथ में लेकर वानरम के हुक्म पर मारने को तैयार थे, वहीं 20,000 लोग रॉकी के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। अगर तुम में ये सोचकर हिम्मत आती है कि तुम्हारे साथ हजारों खड़े हैं, तो तुम सिर्फ एक ही युद्ध जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को ये भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो, तो पूरी दुनिया फतेह कर लोगे। जाओ, दुनिया जीत कर आ गया, आ गया, आ गया। ये तो शुरुआत थी, असली कहानी। हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं।
तो अब शुरू होगी।